डार्क वेब, जिसको जानने के लिए तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है। पर सच्चाई तो ये है कि डार्क वेब के बारे में अभी तक कोई नहीं जानता था, तब तक जब तक ये न्यूज आर्टिकल पब्लिश नहीं हुई। डार्क वेब के जरिए कैसे ड्रग्स का कारोबार करूंगा डार्क वेब, और आपको बताया क्या होता है ये समझने के लिए डार्क वेब इतना डरावना क्यों है, हमें जाना होगा पास्ट में। इन लेट 1990s जब इंटरनेट जस्ट पब्लिश हुआ था, तब यूएस के दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलते हैं और डील करते हैं एक ऐसे इनक्रिप्टेड नेटवर्क क्रिएट करने की, जिसको कोई दूसरा क्लाउड में रहने वाला नेटवर्क एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। कुछ सालों बाद जब ये नेटवर्क बन करके तैयार हुआ, ठीक एक रिसर्च इंजन के साथ जिसका नाम था टॉर। ये एक ओपन सॉफ्टवेयर था जो कि उसको यूज करने वाले लोगों का डाटा को ब्लॉक कर देता था अपने सर्वर्स को यूज करके, जिससे कि कोई दूसरा उसे ट्रैक ना कर पाए। इंटरेस्टिंग ना, क्योंकि ऐसा ही कुछ तो डार्क वेब भी साउंड करता है। लेकिन रुको जरा, इसके बारे में आपको इस पॉइंट में पता चलेगा। ना जब ये डार्क वेब नया चला था ना, तब कोई नहीं जानता था कि इसमें जाते कैसे हैं और क्या क्या करना होता है इसमें जाने के लिए। लेकिन अगर आज के टाइम पर आपको जाना है डार्क वेब में, तो आपको जाना होगा टॉर में। क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसके निर्माता कोई और नहीं बल्कि यूएस की मिलिट्री थी, जिसने इस डार्क वेब को 2004 में पब्लिक कर दिया। और पूछे जाने पर उन्होंने बोला कि सभी को उनकी चीजें प्राइवेट रखने का अधिकार है। ना सच बताऊं तो ये उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इसमें ऐसी ऐसी चीजें होने लगेंगी। रेड रूम, ये शब्द चला था रेड रम से। नाउ अगर इस रेड रम को अगर मैं उल्टा करता हूँ तो ये बन जाता है मर्डर। कई सारे लोग जो डार्क वेब पर गए, वो कहे कि ये रेड रूम एक ऐसा कमरा होता है जिसमें आप पैसे देकर के किसी आदमी को कैसे मारना है वो बता सकते हो। यही नहीं, ये डार्क वेब इतना सिक्योर है कि इसमें रोज करोड़ों के ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मास मर्डर्स भी होते हैं। नाउ अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इसको बंद या फिर बैन क्यों नहीं कर दिया गया, तो देखो एक आइसबर्ग होता है और हमें बस उसके ऊपर का जो हिस्सा दिखता है उसे हम यूज करते हैं, और वो होता है सरफेस नेट, जो कि हम देख सकते हैं। ना जो ये नीचे वाला पार्ट है, वो होता है सरकारी और दूसरे कंपनीज का डेटा स्टोर करने के लिए। एंड जो डीपेस्ट पार्ट है, वो है डार्क वेब। इसको कोई बनाया नहीं है, जब से नेटवर्क का जन्म हुआ है तब से ये है, और इंसानों ने तो बस खोजा है रास्ता, जो कि खत्म होता है डॉट ओनियन से। तो बस यहीं पर होता है ये वीडियो खत्म। अगर आपको और जानना है तो मैंने लिंक डाल दिया है नीचे, इंस्टा का भी लिंक है, जाओ उस पर फॉलो कर लेना। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।